हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे जो फ्लिपकार्ट की जो GST रिपोर्ट होती है, यानी कि जो फ्लिपकार्ट की जो टैक्स डिटेल होती है, वो हम किस तरीके से निकालें और हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो हम सारी प्रोसेस बताएंगे इसी वीडियो में। आप बनी रहिए वीडियो के एंड तक। चलो हम आते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों अब हम आ गए अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद हमें निकालनी है फ्लिपकार्ट की GST रिपोर्ट। तो सबसे पहले हमें फ्लिपकार्ट वाले जो डैशबोर्ड है उसको हमें ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट वाला डैशबोर्ड ओपन करने के बाद जैसे हमारा फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड हमारा ओपन हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें जो GST की जो फाइल है वो हम किस तरीके से डाउनलोड करें, तो हमें जाना होगा जैसे कि काफी सारे ऑप्शन दिखाई दिए जाते हैं, जैसे ऑर्डर, पेमेंट, ग्रोथ, रिपोर्ट। तो हमें सबसे पहले इसमें रिपोर्ट सेंटर में जाना है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है रिपोर्ट सेंटर, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास जी काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसमें जो रिपोर्ट है जैसे कि टाइप ऑफ रिपोर्ट, इस पर हमें क्लिक करना है। अब हमें किस टाइप की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तो जैसे हमें टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करना है, ये लिखा है टैक्स रिपोर्ट, तो टैक्स रिपोर्ट पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे GST रिटर्न, सेल रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट। तो हमें इस पर GST रिटर्न वाली जो फाइल होती है उसको हमें इसमें डाउनलोड करना है और इसमें हमें जनरेट करना है कि किस तरीके से हमें तारीख और मंथ सेलेक्ट कर लेना है। इसमें जैसे कि हमें फरवरी की निकालनी है, तो फरवरी हमने सेलेक्ट करा, इसमें डेट वगैरह ईजिली से ऑटोमेटिक आने लगता है। जैसे कि इस पर दिखा रहा है फरवरी 2022 को 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक की हमें रिपोर्ट लेनी है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है और इसको हमें सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें हमें जनरेट पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से हम जो GST फाइल है, GST रिटर्न फाइल है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और हम अपने CEO को देके हम अपना टैक्स जितना भी कलेक्ट होता है उतना हमें उस पर भरवा देना होता है। तो इस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट कीजिए।